अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फिज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं आपके लिए एक सैंडविच की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं ये सैंडविच कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं अंडे, 4 अदद अंडे लेने हैं। और इसके साथ मैं इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज वो शामिल कर दूंगी, चॉप किए हुए टमाटर वो इसमें शामिल कर दूंगी, और इसके साथ थोड़ी सी सब्ज मिर्चें, और इसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक हसबे जायका, लाल कुटी मिर्च 1 चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। आप इसको अच्छे से फेंट लें और एक फाइन सा आप मिक्सचर बना लें, और हमारा जो एग का मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले ऑयल को आपने गर्म करना है और इसमें थोड़े से आलू के स्लाइसेस जो हैं वो काट के रख दें, और थोड़ा सा इनको ब्राउन करना है आपने कि ये गल जाएं। और जैसे ये ब्राउन हो जाएं, आलू का जो मिक्सचर है वो आप इसके ऊपर डाल दें, और इस तरह तमाम आलूओं के ऊपर आपने मिक्सचर को फैला के डालना है। और उसके बाद आपने हल्की आंच पे इसको पकाना है, और जब पूरी तरह से एक साइड से पक जाए तो इसके ऊपर ब्रेड के स्लाइसेस इस तरह रखें और थोड़ा सा प्रेस करें, इससे जो अंडा है और ब्रेड है वो एक साथ जुड़ जाएंगी। और इसके बाद आप जब एक साइड से ये पक जाएगा तो उसके ऊपर आपने अंडे का मिक्सचर डाल के उसे पलट देना है। ये देखिए, ऐसे आपने उसे पलट देना है और उसे दूसरी साइड से पकाना है। और इसके अंदर आप जो चाहें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें चीज़ के साथ गाजर को, कश की हुई गाजर को ऐड किया था, और उसके ऊपर दोबारा चीज़ डाली। आपको जो वेजिटेबल पसंद है आप इसमें वो वेजिटेबल ऐड करें, और इसे इस तरह से बंद कर दें, और इस तरह फिर दोनों साइड से आप इसे गोल्डन ब्राउन करने के बाद आपका सैंडविच जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए कि देखिए, मैं इसकी लुक आपको दिखाती हूँ। ऊपर और नीचे से दोनों साइड से ये गोल्डन ब्राउन बहुत अच्छा हो चुका है। चलिए इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी सैंडविच आपका तैयार है। आप बच्चों को यह लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत खुश होकर इसको खाएंगे, और ये बहुत हेल्दी भी है बच्चों के लिए। ये देखिए, चीज़ी सा ऑमलेट बना है, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, चीज़ भी है, और ऑफ कोर्स ब्रेड भी है। तो ये बच्चों के लिए एक कंप्लीट लंच है। आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, खुद अपने लिए स्नैक के तौर पे बनाएं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी।